सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई थी, मैं दोबारा ऑन करती हूँ। अच्छा जी, आज हम उन्हें ट्रेंड बोर्ड के बारे में पढ़ना है, तो बताती हूँ क्या होते हैं फैशन ट्रेंड बोर्ड। ठीक है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है वैसे, इन सिंपल मैम, वर्ड्स? समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, समथिंग दैट इज पॉपुलर। हाँ जी, और मैम क्या जो चीज इन होती है बहुत। बस जो चीज इन है तो ट्रेंडी है। ठीक है, बेसिकली सिंपल बेसिक वर्ड है। अच्छा, अब ट्रेंड बोर्ड बेसिकली फैशन में किस तरह से यूज होता है, कैसे क्या होता है, मैं क्यों ट्रेंड बोर्ड की जरूरत पेश आती है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड बोर्ड के अंदर करंटली कौन से फैशन ट्रेंड चल रहे हैं, कौन सी चीजें चल रही हैं, क्योंकि हमने उनको फॉलो करते हुए जो है ना अपनी कलेक्शन डिजाइन करनी होती है। हम बिल्कुल आइसोलेशन में रह के जो है ना हम लोग कोई भी काम नहीं करते होते। ठीक है, तो हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स को, लेटेस्ट कलर्स को, इसके बाद कलर बोर्ड होते हैं, फोरकास्टिंग बोर्ड होते हैं। तो जितने बोर्ड आप बनाते जाओ, ये डिपेंड करता है कितने कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेंड बोर्ड्स में चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि आप उसमें करंट फैशन लगाओ। ठीक है, करंट जो फोरकास्टिंग कलर्स चल रहे हैं वो लगाओ। ठीक है, इससे रेलिवेंट करंट अगर कोई अच्छी सी कोई लाइफ स्टाइल है, कोई जिसने किसी ने कोई किसी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी ने कोई फैशन अडॉप्ट किया हुआ, ठीक है, तो ट्रेंड में चल रहा है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ग्लेट अगर आपको लग रहा है कि वो कोई ऐसा अच्छी चीज है, ट्रेंडी है। ठीक है, मतलब एनीथिंग ट्रेंडी, आप में जो भी ट्रेंडी है बस उस चीज को आपने अपने फैशन बोर्ड में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं लिखती हूँ फैशन ट्रेंड बोर्ड 2021। ठीक है, तो उसमें जिस किसी ने भी काम किया होगा उसने लेटेस्ट चीजें अंदर इन्वॉल्व की होंगी। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये देखें, स्क्रीन शेयर हो गई। यस मैम। हाँ जी, ये है जी फैशन ट्रेंड बोर्ड्स, ठीक है, 2021। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सारे 21 के हों, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें देखो एक काइंड ऑफ ट्रेंड बोर्ड है ये चलो कलर बोर्ड में आ जाता है। ज्यादातर ये कट लाइंस के थ्रू होता है, कट लाइंस को ज्यादा फॉलो किया जाता है इसके अंदर। या ये दिस वन, ये अच्छा बोर्ड है। ठीक है, अब उसमें देखो उस इस बोर्ड के अंदर उसने फैब्रिक्स की बात भी कर दी है, उसने थोड़ी सी कट लाइंस को भी बता दी है, मतलब उसने कलर्स के थ्रू सब कुछ बता दिया, फैब्रिक कौन सा चल रहा है, मॉडल जिसने पहना हुआ है, लाइक ये कौन है, केट मॉस है, जो भी है। ठीक है, ये देखो, लुक एट दिस ट्रेंड बोर्ड, बड़े अच्छे तरीके से उसने कलर के साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उस एम्बेलिशमेंट्स को लगाया हुआ। इसके अलावा देखो 4-5 इमेजेस से इसने कर दिए। अब ये ट्रेंड बोर्ड है, ट्रेंड सेंसेस बोटानिकल रेट्रो। ठीक है, ये वेबसाइट अच्छी है, इस वेबसाइट को आप देख लीजिए, फैशन विग्नेटी। ठीक है, अब ये देखो ट्रेंड सेंसेस, इसमें देखिए उसने फैब्रिक की टाइप्स भी लगाई हुई है, फैब्रिक को क्लोजअप भी दिखाया हुआ है, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, लेसेस क्या चल रही हैं,
मतलब कि क्या क्या इन्वॉल्व, क्या क्या नई चीज फैशन में आई हुई है, क्या एम्ब्रॉयडरी में क्या नई चीज आई हुई है, मतलब हर चीज रेलिवेंट टू अ लेटेस्ट थिंग, ठीक है, जो आपने मतलब कि ना देखी हो किसी ने, तो डिजाइनर वो ही बड़ी सर्च करके जो है ना ऐसी चीजें लगाता होता है। तो आप जो ऑथेंटिक डाटा जो है ना, जो ट्रेंड्स का डाटा है, वो आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, वो मैं कुछ वेबसाइट्स आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। अब एक इसके अंदर जो है वो है वोग, ठीक है, बेशक आप लोग साथ ना इसको देखते जाइएगा, ठीक है। ये वोग पे जो है ना टॉप स्टोरीज होती है, टॉप ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स कह लो, लाइफ एंड आर्ट एंड लाइफ स्टाइल कह लो, ब्यूटी कह लो, ठीक है, रनवे में जो होती है कुछ चीजें, मतलब हर चीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। जैसे अगर फैशन की बात करती हूँ तो देखो फैशन में फैशन ट्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो नजर आ रहा, यस मैम, ठीक है। अब जैसे देखो द कर्व फ्रेंडली क्लॉग इज स्प्रिंग 21 अल्टीमेट स्टाइल हैक, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ उसने कुछ शूज की बताई है क्या, जो भी चीज है, ठीक है, नो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेंड। इफ समवन इज टेकिंग अ ब्लैक कलर और अ शिमर थिंग, तो वो इस तरह की पिक्चर जो है ना ऐड कर सकते हैं अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये एक अच्छे रेफरेंसेज होते हैं, जो लाइक अच्छे आपको सही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है ना, वो यहाँ से इन तरह की वेबसाइट से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे आप देखो 8 socks and sandals pairing for city dwelling with wanderlust, ठीक है। अभी फैशन ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, अब देखें जब तक 90s chain belt is back, but now as you can know it, ठीक है, अब chain belt की बात हो रही है, मतलब क्या चीज ट्रेंडी है। अब ये देखो इसमें आप लोगों को थियोरेटिकल डेटा भी मिल जाएगा, अब वो सैंडल्स के टाइप देखो, सॉक्स देखो कैसे, मतलब सिंपल एक सिंपल स्लीपर सैंडल्स के साथ जो है ना उसने सॉक्स कंपेरिजन किया है, और बता रहे हैं कि किस तरह की सॉक्स के साथ आप जो है ये कर सकते हैं। अब ये देखें, अब कुछ चीज ऐसी होती है ना जो जियोग्राफिकली जिसको कह लो आप एक्सेप्टेबल होती हैं, सम जगहों कुछ जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन एज अ डिजाइनर आपको इन चीजों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, आपको वो दिखना चाहिए कि वॉट इज ट्रेंडिंग, ठीक है, और हाई फैशन मार्केट के अंदर जो है ना क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब ये देखें The 90s chain belt is back, but not as you know it, ठीक है? अब इसके अंदर 90s की chains की बात हो रही है जी, ये देखो, this kind of chain. तो आप ये images भी save करके जो है अपने boards में, trend boards में लगा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अब street style लिखते हैं क्या चल रहा है? आवाज आ रही है सबको clear? Yes, ma'am. हाँ जी, अब देखो स्ट्रीट स्टाइल क्या चल रहा है जी, अब जी बात हो रही है 7 अप्रैल 2021, ठीक है, इट्स मीन कि स्प्रिंग की बात हो रही है, तो स्प्रिंग में हम देख लेते हैं, ये देखो ये शंघाई फैशन वीक का ट्रेंड चल रहा है। अब जरूरी भी नहीं कि आपकी जो फैशन कलेक्शन है अगर वो उससे रिलेट नहीं करी तो आप इस तरह का ट्रेंड नहीं डालेंगे। लेट्स सपोज आप कुछ ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं तो आपके सामने जो है ना ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है, लाइक अब लेट सपोज आपने कुछ बनाना है कि जैसे कोई लाइक गाउन्स बनाने हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि ये ट्रेंड क्या हुआ, अगर मैं ये ट्रेंड को देखूं तो मैं गाउन कैसे बनाऊं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, आपने ये देखना है कि ये सारे जो ट्रेंड्स हैं आपने इस तरह की हर चीज़ जो है ना अपने बोर्ड के अंदर लगा लेनी, ये देखो, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट कोई भी चीज़ जो है ना उस चीज़ से पिक कर लोगे। अब ये देखो दिस इज ट्रेंड, वो यहाँ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, बट दिस इज ट्रेंड, ठीक है। अब आप उसको ये कह लो कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो है ना ये ट्रेंड है, सही है। इसके अलावा आप यहाँ रनवे पे जाएं, ठीक है, ये दस मेन पेज पे जाके रनवे पे, और यहाँ पे आपने जाना है ये फॉल 2021 रेडी टू वेयर, ठीक है, रेडी टू वेयर में देखना है कि डिजाइनर वाइज है ना क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ आपके पास सारे डिजाइनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसमें से लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ नॉयर के की, ठीक है, तो नॉयर के को देखो कि उसने यहाँ पे व्यू स्लाइड शो कर लो, ये दसो, तो यहाँ ऑलमोस्ट 27 लुक्स हैं इसकी, ठीक है, तो आप चेक करें कि उसने क्या चीजें यूज की हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, क्या किस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, तो दिस कैन
kind of images can be used in fashion trends, ठीक है, या designer trend कह लो कि designer किस तरह की technology use कर रहा है, ठीक है, maybe cactus inspired, ठीक है, कह सकते हैं, समझ आ रही है? Yes, ma'am. आगे क्यों नहीं हो रहा? ये स्लाइड शो लगा हुआ, शो खुद ही होगा, ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं इसको. इसके अलावा आर्ट एंड लाइफस्टाइल में जाओ, आर्ट एंड लाइफस्टाइल में देखो क्या स्टाइल चल रहे हैं. इसमें सेलिब्रिटीज के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, उनके समटाइम ड्रेसेस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, सिंगर्स के बारे में, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो कि अपडेटेड है, जो कि ट्रेंडी है, ठीक है. तो ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ से आप ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. इसके अलावा न्यूज़ में देखोगे क्या है, ठीक है, तो यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगे. समझ आ गई है? Yes, ma'am. ये भी A3 size पे ही होगा. हाँ जी, ये भी A3 size पे ही होगा, ठीक है. इसमें आप लोगों ने करना क्या है, आपने बस फैशन लेटेस्ट ट्रेंड लेने, ठीक है, आपने जो कलर बोर्ड बनाया था ना, कलर बोर्ड याद है? Yes, ma'am. उसी के साथ कलर्स के थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है, बस ट्रेंड ले लो, ठीक है, बस फैशन ट्रेंड्स ऐसा करो, स्प्रिंग 2021 के कर लो, ठीक है. ओके मैम. हाँ, जो आपको ट्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है ट्रेंड्स, ठीक है, जो ड्रेस अच्छा लग रहा है, जो टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है, एनीथिंग, ठीक है, वो आप इसके इनकॉर्पोरेट कर लें. लेकिन कोशिश करनी है कि आपस में दूसरे की चीजें जो है ना, आपस में दूसरे के साथ मतलब मर्ज करें, ठीक है. बहुत ही ज्यादा आपने ये नहीं लेना कि एक आपने बिल्कुल अलिफ ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, मतलब थोड़ी सी ना आपस में यूनिटी होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए डिजाइन के अंदर, चीजों को पिक करने के अंदर, ठीक है. मैम, ये हमारी असाइनमेंट है या लैब वर्क है? ये असाइनमेंट है, लेकिन आप अब भी आज भी करेंगे, ये मैं लूंगी. ये अपने दो ट्रेंड बोर्ड बनाने हैं, इस वीक भी नहीं, नेक्स्ट वीक भी नहीं, नेक्स्ट वीक तक टाइम है आपके पास. नेक्स्ट वीक नहीं लूंगी, उसे नेक्स्ट वीक लूंगी, ठीक है. नेक्स्ट वीक में नया काम करवाऊंगी कोई भी, ठीक है, लेकिन सबमिशन का टाइम जो है ना आपके पास 2 weeks का है. ओके, इसकी सबमिशन होगी, लेट्स सपोज आज मैं देख लेती हूँ कौन सा वीक चल रहा है, 8 है ना, तो 10th वीक में होगी. 3 मई को होगी सबमिशन इसकी, 3rd मई, ठीक है. आपने दो ट्रेंड्स बोर्ड बनाने हैं, ठीक है. इसमें अलावा मैं आप लोगों को थोड़ी मैं आपको ट्रेंड बोर्ड की ना एग्जांपल दिखा देती हूँ. ट्रेंड बोर्ड फैशन ट्रेंड बोर्ड, चेक आउट दिस ट्रेंड बोर्ड, ये देखो नियॉन उसका कलर है, ठीक है, उससे रिलेवेंट उसने बैग्स लगाए हुए हैं, ठीक है, बैग्स क्या चल रहे हैं, मतलब जो कलर उसके अंदर आ रहा है. आप अब देखें कि आपने मूड बोर्ड बना लिया ना आप लोगों ने, तो मूड बोर्ड के बाद अपने ट्रेंड बोर्ड को देखिए, कलर भी कलर की रेंज जो है ना वैसी की वैसी लें, ठीक है. अब जैसा कि
अच्छा जी, आवाज आ रही है। यस मैम। हाँ जी, अब इसमें देखिए आप लोगों को ना डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत ही जबरदस्त किस्म के ट्रेंड बोर्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें इधर। हाँ जी, अब ये देखो, मैं बड़ा अच्छा किस्म का भी, दिस वन इज वेरी गुड ट्रेंड बोर्ड, ठीक है। ये किसी प्रिंट्स के ऊपर है, ठीक है, जो कि इंस्पिरेशन ली हुई कैटवॉक से, ठीक है। अब ये देखें कितना अच्छी तरीके से जो है ना उसको किया गया, आउटलाइन दी गई है, ठीक है। आउटलाइन बनाई गई है, आउटलाइन बनानी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखें कि शेडोज कैसे क्रिएट करते हैं बिसाइड द इमेज। अब इसके अलावा ये देखो ट्रेंड बोर्ड, अभी फैशन बोर्ड नहीं है लेकिन ये दूसरा बोर्ड है, तो आपने फोकस करना है फैशन ट्रेंड बोर्ड्स पे, ठीक है, जिसमें मॉडल्स हों, जिसमें रनवे की मॉडल्स हों, ठीक है। अब ये देखें, अब ये ट्रेंड की बात हो रही है कि फैब्रिक की बात हो रही है, 12 फैब्रिक की बात हो रही है, कौन कौन से फैब्रिक टाइप्स हैं, लाइक विंटर के फैब्रिक की बात हो रही है, ठीक है। देखो ये अब कितना अच्छा बोर्ड है, अ वेरी गुड बोर्ड, ठीक है। अब इसमें बीच में ये थोड़ी टेक्स्ट भी है, इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपने इंग्लिश में आप लोग बताइए कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इंग्लिश की, जब लेनी है वो आप लोग उधर से ले रहे हैं, क्या नाम है, वो की वेबसाइट से, रनवे की वेबसाइट से, या नाओ फैशन की वेबसाइट से, ठीक है। ये 4-5 वेबसाइट है जहाँ से बहुत अच्छा डाटा आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये देखो रीविजिटेड मेंस वेयर, ठीक है, इट्स अ ट्रेंड बोर्ड, समझ आ रही है।
यस मैम मतलब कि लेटेस्ट लेटेस्ट इमेजेस, ठीक है। आपने कोई भी पुराना लाइक आपने कोई टेक्निक भी यूज करनी है ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ कि नई चीजों के साथ, ठीक है, तो वो कैसे होगा ये देखें। अभी देखें यहाँ पे अब एक टेक्निक जो है ना, लाइक ये देखो नेचुरल टाई एंड डाई, ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ टेक्निक वुड बी यूज्ड इन ट्रेंड बोर्ड। तो इसमें वो फैब्रिक्स को बता रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, उस तरह के उसने ट्रेंड्स के दो इमेजेस लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं वैरायटी ऑफ इमेजेस दिखा रही हूँ कि क्या क्या हो सकता हुआ। अब इसमें देखें ये लोअर्स की टाइप ऑफ बात हो रही है कि लोअर्स में लाइक ट्राउजर्स में पैंट्स में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड्स भी है, पैटर्न्स भी हैं, हर चीज इसके अंदर है। और क्या है जी, दिस इज वेरी गुड। क्योंकि इमेजेस जो है ना, इमेजेस दो तीन चार इमेजेस जो रेलेवेंट इमेजेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस यू आर चूजिंग फॉर योर ट्रेंड बोर्ड, फॉर योर मूड बोर्ड, ठीक है। अब देखो ये इमेजेस उसने इस तरह के लगा दिए कि इट्स टोटली लाइक मतलब कि प्रिडिक्टेबल है कि कब किस तरह की कलेक्शन होगी उसकी। जैसे उसने ये फैब्रिक लगा दी, फैब्रिक के ऊपर कलर कर दिया, ठीक है, और पीछे उसने कुछ फ्लावर्स कैसे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो मतलब एक बड़ी क्लियर सा इमेज है, बड़ा क्लियर सा बोर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा ये देख लें, ठीक है, विकोर्सा, ठीक है, इसमें कोई ये बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स हैं। आप यहाँ से किसी से भी इंस्पिरेशन लेके जो है ना इस टाइप के बोर्ड्स बना सकते हैं। अभी देखें अभी फिश है, फिश फिश के थ्रू उसने जो है ना पूरा उसको किया हुआ, फिश के थ्रू फैब्रिक्स और मतलब कितना अच्छा उसने करके किया है ये। और बात ये होती है कि ज्यादा टूल्स की बात नहीं होती है कि हमें इतने टूल्स आएंगे तो हम काम पर कर पाएंगे, इतना चीज आएगी तो हम काम करेंगे, ठीक है। बात ये होती है कि आपको जितने भी टूल्स आते हैं आप उनसे प्ले करें, ठीक है। अभी देखने वाली बात है सिंपल जो है ना इमेजेस है, उसे पीछे क्रॉपिंग करके जो है ना उनकी सेटिंग की हुई, उसकी कॉम्पोजिशन की हुई है। और कॉम्पोजिशन अच्छी कैसे आती है, जब आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है, अपनी एस्थेटिक्स को बिल्डअप करने के लिए, एस्थेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, ऐसी चीजें लाइक करते हैं, रिसर्च करते हैं जो फैशन ओरिएंटेड होती है, जो ट्रेंड ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेंड कोलाज आर्ट है, ये देखिए कितना अच्छा बनाया है। पिंटरेस्ट पे तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे, समझ आ गई है। कल मैं आप लोगों को एक टूल भी बता दूंगी, कोई दिखा के ना सामने ट्रेंड बोर्ड्स, ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर लूंगी जिसमें आप लोगों से पूछ लूंगी कोई टूल्स आपको समझ नहीं आ रहा, तब तक आप कल तक रिसर्च करें, देखें क्या क्या इमेजेस क्या क्या मूड बोर्ड हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी ट्रेंड बोर्ड हो सकते हैं, इमेजेस सर्च करें, चीजें देखें और अपना डिजाइन फाइनल करें, ठीक है। और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछें कि मैम इस तरह की हम चीजें करना चाह रहे हैं तो हम ये टूल कैसे यूज होगा या ये चीज कैसे बनेगी, ठीक है, तो कल मैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको करूंगी, ठीक है, तो मीटिंग का टाइम भी ओवर होने लगे, समझ आ गई है। यस मैम आ गई है। हाँ जी बच्चों समझ आ गई है। यस मैम चलें फिर मैं एंड करती हूँ, ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग में दे दूंगी आपको और आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा सरताशा आपकी ईमेल आई हुई थी, ठीक है, आपको लेक्चर मिल रहे थे, पता चल गया आपको? यस मैम पता लग गया। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन अगला पिछला, कोई बात समझ नहीं आ रही? चलो भाई ठीक है, काम करें और कोई क्वेश्चन हुआ तो कल इसको हम देख लेंगे, ठीक है, चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी सीरत कोई क्वेश्चन है? नो मैम मैं अल्लाह हाफिज कह रही थी। ओके चलें अल्लाह हाफिज़। ओके ओके।